¿Mina? ¿Cómo? ¿Qué hace? मैं चलती हूँ, चलती मुझे कहाँ में, चलती हूँ मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगी, चलती हूँ। बैठो ना। मतलब दानिश जी, आप सोच सकते हो कि पापा की डायरी है। मतलब बातें देखो ना आप, कितनी प्यारी। मतलब ये मतलब लगता ही नहीं देख के पापा इतना प्यार किसी से कर सकते हैं। या मैंने उन्हें जैसे देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल अपोजिट है ये। मतलब ये सारा कुछ उन्हीं का लिखा हुआ है। ये सॉन्ग मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ सॉन्ग देखो। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके यार स्टार्ट कर दो यार। मुझे तो स्टार्ट कर दिया। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज जो मेरे साथ है, मेरे साथ प्रिया जी। मतलब मेरे ख्याल से आप इंट्रोड्यूस की जरूरत है नहीं, इंट्रोडक्शन की। कि आज इनके हाथ में जो है, मैं आपको दिखा दूं, एक डायरी है। और ये डायरी इनके ससुर जी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं हक से बोल सकता हूँ कि इनके ससुर जी की है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई है। कैसे, क्या कैसे मिला था ये चीज़ आपको? और एक और चीज़ दोस्तों, इनके चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाके आप देखें और सब्सक्राइब करें। इनके इनको प्यार दें, ठीक है? बहुत कुछ रोज अपडेट हो रहा है, ठीक है? तो क्या है इसमें, एक बार बताइए, और कैसे मिला और क्या चीज़ हुआ, एक बार बताइए। डायरी जो है, मतलब मैं सफाई कर रही थी, सफाई करते करते वैसे तो पापा के रूम में जाना होता नहीं है ज़्यादा, पर ये मिल गई। अच्छा, मैंने अब मिली, देखा तो काफ़ी पुरानी थी और पापा की है, तो पढ़ना तो ठीक नहीं लगा, तो मैंने मतलब दो तीन दिन तक अपने पास रखी इसे। फिर लगा कि हाँ देखना तो चाहिए, कि कुछ तो बस वही, आपको पता है कुछ चीज़ मिल जाती है तो लगता है कि हाँ जाने इसमें क्या है, वही चीज़ थी। तो मैंने खोला, देखा, तो जब बस शुरू ही किया था तो पहले तो कि हाँ ठीक है, देखा, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, इतनी प्यारी प्यारी बातें और ये जो सॉन्ग्स लिखे और ये जो कुछ कुछ शायरी जो लिखी है, बिलीव भी नहीं हुआ पापा की है। फिर आर्यन से बात की, लगा तो नहीं था, मतलब उसे बताना जरूरी था, पढ़ ली थी, तो आर्यन से बात की तो उसने बताया कि हाँ पापा की लाइफ में एक लड़की थी। अच्छा। से मतलब बहुत प्यार करते थे वो, पर उनकी शादी नहीं हो पाई। अच्छा। कास्ट डिफरेंट थी, इंटर कास्ट थे एक दोनों। अच्छा। तो इस वजह से शादी नहीं हो पाई, और फिर मम्मी से शादी हो गई, और मम्मी से शादी के बाद ये तो पता ही आपको, कुछ टाइम बाद मम्मी नहीं रही। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद पापा बिजनेस में बिजी रहते थे, पापा को शायद पापा भी वापस नहीं जाना चाहते थे, या इनकी जिम्मेदारियों की वजह से, आर्यन और दीदी की जिम्मेदारियों की वजह से शायद नहीं गए, या उन्हें पता नहीं है कि उस लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं बस, मैंने आर्यन के थ्रू और कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू ये पता लगवाया है कि वो आंटी जो हैं कहाँ रहती हैं, कैसे क्या हैं। उनका नंबर निकलवाया, उनसे कॉल पर बात भी कर रही हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 दिन ही हुए हैं। वो भी जॉब सर्च कर रही थी। अच्छा। मैंने, बुरा तो लग रहा है, उन्हें जॉब के बहाने बात करके उन्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, यार करने के लिए। हाँ, आ रही है वो। हाँ। मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि जॉब तो मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी भाई, अगर ऐसा चीज है भाई, खन्ना जी की भाई अगर क्रश थी या फिर गर्लफ्रेंड थी तो भाई जॉब क्या, उनको बहुत कुछ मिल सकती है। हाँ, मतलब अभी उनकी पर्सनल लाइफ से अगर अलग होके, तो मैंने इतना तो उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं गई हूँ, पर हाँ मैंने उन्हें बुलाया ये देखने के लिए कि पापा को आप बुलाओगे। अच्छा। हाँ,
और जब ये दोनों सामने आते हैं और देखते हैं कि इनके मन में आज भी एक दूसरे के लिए कुछ है या ये दोनों साथ हो सकते हैं तो ट्राई करते हैं। पापा भी अकेले क्यों रहे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होगी और मैं एक बार अंकल से बात कर लेता हूँ पहले। हेलो। हेलो जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ हो अंकल? पर ही हूँ, रेस्ट पर हूँ। कहाँ हो आजकल? आजकल तो घर पर ही हूँ, रेस्ट पर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पर ही। हाँ हाँ, जाते हैं ऑफिस तो अभी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह के लिए घर पर रहता हूँ। चलिए अंकल बढ़िया। मैं ये बोल रहा था ना अंकल कि मिलना चाहते थे आपसे। मिलना चाहते थे क्यों? बस एक छोटा सा बात था, वो करना था आपसे। अच्छा अच्छा, आई ना थोड़ा सा? हाँ जरूरी तो है, आइए थोड़ा सा मिल लीजिएगा, थोड़ा पार्क में घूम भी लीजिएगा। चलिए ठीक है, वॉक भी हो जाएगी इस बार में। हाँ तो कहाँ ना, कहाँ ना? जहाँ पे वीडियो वीडियो बनाते हैं ना, बस वहीं पे आ जाइए ना। अच्छा अच्छा जी, ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। ठीक है, अंकल आ रहे। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो अंकल आ रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ भी होगा, जो कुछ होगा, सारा कुछ अपने वे में मैं दिखाने की, दर्शाने की कोशिश करता हूँ। सब ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप यूं लगाइए कि कुछ था मन में बात जो पूछना था, बताना था। बताएं, इसलिए सबसे पहले आप ये बताइए, कुछ खाइएगा पीजिएगा कुछ? मीना, तुम कैसे? कैसी हो? मेरे दिनों के बाद कैसे हो? मैं तो सोच रहा हूँ आज जमाना हो गया तुम्हें मिले। सोच भी नहीं पाई पा रही हूँ कि मैं तुमसे मिल रही हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मुलाकात होगी हमारी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसी हो? ठीक। और बताओ? बस यहाँ कैसे? मुझे किसी मैडम ने बुलाया था। अच्छा। मैडम ने बुलाया था तो, लेकिन अभी वो आई नहीं है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। अब बताओ तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। मैंने सुना आपकी शादी हो गई। आपकी शादी? बच्चे तो बड़े बड़े हो गए। हाँ, दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है।
अभी कुछ समय पहले बेटे की शादी भी करी थी मैंने। तुम बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? क्या हुआ क्या हुआ? जब शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ थे? अच्छा रो क्यों रही हो तुम? अरे रो क्यों रही हो? रो क्यों? रो मत रो। आप ठीक हो ना? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। चलो मैं चलती हूँ। अरे रुको ना, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? नहीं बस बैठो बैठो, मैं चलती हूँ। अरे बैठो बैठो ना बैठो। मैं आप अगर मैं बैठ के तुम्हारे हाथ तो मेरा मन नहीं करेगा। तो जमाने के बाद मिले हैं या फिर उठ के जा रही हो तुम, ये कोई बात है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम आज अचानक से कैसे मिलना ही तुम्हारा बड़ा इत्तफाक है। एक जमाना था हाँ पीछे जो हमने इतने दिन अच्छे से गुजारे हैं, जो हमारी खुशियाँ थी बस यहीं तक मिलना था। वो कॉलेज की टाइम था, वो यादें थी। रो मत ना, तुम रो क्यों रहे हो? रोना बंद करो, बिल्कुल रोना बंद करो तुम, ये कोई रोने की बात थोड़ी ना। और कैसे चल रहा तुम्हारा? बस सही है, अपना थोड़ा सा काम है, पास में बंगला है मेरा, यहीं रहता हूँ। सुना है अच्छा बिजनेस है आपका? बस ठीक ठाक है, थोड़ा बिजनेस में मेहनत करते हैं और जो ऊपर वाला दे दे आपकी सॉरी तुम्हारी अब आप कहेंगे क्या आदत तुम्हारी वाइफ कैसी है? ठीक है वाइफ तो वो तो है नहीं, एक्सपायर हो गई। क्या हुआ था? बस उसे थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, थोड़ा बीपी हाई रहता था, तो बस क्या कर, वक्त की मर्जी के आगे क्या कर सकते, वक्त होता है क्या कर सकते। और तुम ठीक ठाक? क्या चल रहा था तुम्हारी जिंदगी? ऐसे थोड़ा कुछ चल रहा है। जॉब वॉब की ट्राई कर रही हो? देख रही। अच्छा चलो, वैसे तो कोई दिक्कत परेशान नहीं। नंबर दे दो अपना। नाम तो नहीं भूले ना? मीना, नाम कैसे भूल सकता हूँ, कभी याद आई मेरी? बस कुछ जिंदगी की बातें होती है ना, फंस गए जिंदगी में, कभी भी याद नहीं। बस शादी हुई तो फिर तुम भी जानते हो शादी की लाइफ कैसी होती है। इतना हमने टाइम साथ में निकाला, सब कुछ हमने इतने अच्छे बातें करते, घूमते फिरते खाते पीते, मुझे तो वो हर चीज़ याद है, हर लम्हा याद है, मैं उसी के सहारे जी रही हूँ। जिया तो मैं भी, लेकिन वो ये होता है जब शादी के बंधनों में बनने के बाद ना इंसान को बदलना पड़ता है, थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है। अब शादी हुई, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हुई, तो रो मत ना, तुम रो क्यों रही हो? अब आपकी तुम्हारी वाइफ नहीं है तो तुम्हें उसकी याद तो आती होगी, अब कैसे कैसे रहता? बस क्या करें, वो तो आ नहीं सकती है वापस। ठीक है मैं चलती हूँ। नंबर वो कॉल कर दिया, सेव कर लेना। ठीक है। हेलो अंडे, एक्सक्यूज मी, आप मैंने अब कॉल किया। ये मेरी बहू है, आपने आप बेटा? हाँ। अच्छा मेरी बहू है और ये मेरे बेटे जैसा ही है जी दानिश। ये तुम्हारी बहू है? हाँ मेरी बहू। बैठो, आप कहाँ जा रहे हो? बात तो हुई नहीं। नहीं बस मैं चलती हूँ, चलती मुझे कहा नहीं, चलती हूँ मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊँ, चलती बैठो ना। पर दो मिनट क्या अंकल, सब ठीक तो है ना?
कौन क्या मतलब हाँ कौन थी ये कुछ मत कुछ बता क्या अंकल सब ठीक हुआ है ना सब ठीक चले गए तू